अच्छा, कभी कभी हमें सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि प्रभुपाद ने ये नहीं बताया, प्रभुपाद ने वो नहीं बताया। अभी किसी को ये लग सकता है कि भाई इधर जाके सुनना चाहिए, उधर जाके सुनना चाहिए, ये किताब पढ़ना चाहिए, वो किताब पढ़ना चाहिए। लेकिन ये समझने वाली बात ये है कि मुझे भक्ति में लगना चाहिए, ये फेथ मेरे हृदय में कौन ले दिया? श्रील प्रभुपाद ने। मैं भक्ति में जुड़ने से पहले क्या जीवन में कर रहा था, क्या क्या काम कर रहा था, उन सब को छोड़ना है और हरे कृष्ण महामंत्र को करना है, चार नियम को करना है, ये मेरे दिमाग में किसने डाला? श्रील प्रभुपाद की किताबों ने, श्रील प्रभुपाद ने। तो इस भक्त कौन बनाया? प्रभुपाद ने बनाया। फिर जाके हमें पता चला ना कि ये आचार्य हुए हैं, ये आचार्य हैं, ये भी कोई पुस्तक है, वो भी कोई पुस्तक है, ये भी कोई बाबा जी हैं या ये भी कोई संत हैं। ये सब हमें बाद में पता चला। नहीं, अगर हमें प्रभुपाद की किताब मिलती थी तो हम तो पता नहीं कौन सी दुनिया में क्या कर रहे होते हैं, भौतिक जगत में कितने अंदर हम पूरा गलत कामों में फंसे हुए थे। तो हमें वहाँ से निकलने की और भक्ति में लगने की जो प्रेरणा दी है वो प्रभुपाद ने दी है। और जो पूरा प्रचार विश्व में है, वो विश्व में प्रचार करने की प्रेरणा, अगर कोई आज विश्व में प्रचार कर भी रहा है, आज हम देखेंगे कि बहुत सारे तरह के आश्रम और बहुत सारे तरह के संस्थाएं विदेशों में भी हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेरणा किसने दी कि विदेश में आप जाके प्रचार कर सकते हैं? प्रभुपाद ने। और क्योंकि प्रभुपाद के जाने से पहले अगर कोई सन्यासी समुद्र को पार करके जाता है तो उसकी सन्यास ख़त्म, मतलब वो ऑथोराइज नहीं रह जाता। ये ऐसा नियम था, कोई भी सन्यासी बाहर नहीं जा सकता। प्रभुपाद गए और उन्होंने खुद तो वो सन्यासी बने रहे, लेकिन और सन्यासी बना दिए, है ना। वो एक सन्यासी प्रभुपाद बाहर गए, वहाँ से कई सन्यासी ले के आए, है ना। और तो ये चीज़ समझना चाहिए कि मुझे भक्ति में लाया कौन, किसकी किताब पढ़ के मैंने ये कन्विक्शन लाया कि हाँ भक्ति करनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, है ना। तो प्रभुपाद की किताब जो है वो हम पढ़ेंगे, मतलब पहले उनको समझना है और फिर तब तो हम ये जानेंगे कि भाई हाँ प्रभुपाद ने हमें लाया है भक्ति में। जो यू टर्न मेरे जीवन में आया वो प्रभुपाद की वजह से आया है, है ना। भक्ति में मैं जुड़ा, भगवान को समझा, कृष्ण को समझने का जो तत्व है कृष्ण का है वो प्रभुपाद की वजह से समझ में आया। फिर तो हमें लगा कि अच्छा ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें हमें बाद में पता चली ना। तो जो इसीलिए इस प्रभुपाद को जगत गुरु हम कहते हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। जो जगत गुरु ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहे, वो हैं जगत गुरु, उन्हें जाके पूरे विश्व में इसका प्रचार किया है। वही जाके पहले भारत देश से बाहर वही निकले हैं, समुद्र पार करके गए हैं और इस चीज को प्रचार किया है, तो वही जगत गुरु हैं। बाद में तो कोई भी गया, तो खाली बोलने के लिए जगत गुरु नहीं बोलते हैं, वो हैं जगत गुरु। आज विश्व में अगर सबसे ज़्यादा भगवद गीता की किताब बिकती है तो प्रभुपाद की ट्रांसलेशन है। विश्व में अगर सबसे ज़्यादा जो है गीता का अनुवाद किया गया है सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में, सबसे ज़्यादा भाषाओं में, तो प्रभुपाद की गीता का हुआ है ना। हर जगह मिल, पूरे विश्व में आज आपको शुद्ध वैष्णव भोजन मिल सकता है, ये कौन किसकी वजह से? प्रभुपाद की वजह से ना। आप विश्व के ऐसे ऐसे द्वीप जो यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, छोटा सा द्वीप है, उसमें भी आपको शुद्ध वैष्णव भोजन मिल रहा है। कृष्ण नाम वहाँ हो रहा है, संकीर्तन वहाँ हो रहा है, राधा कृष्ण के विग्रह की पूजा वहाँ हो रही है, किसकी वजह से? प्रभुपाद की वजह से। विश्व के कोने कोने में राधा कृष्ण के मंदिर प्रभुपाद ने बनाए, विश्व के कोने कोने में जा के 14 बार विश्व का भ्रमण किया है। तो ये जो कृष्ण भक्ति का प्रचार है वो प्रभुपाद ने किया है, इसलिए वो जगत गुरु है। तो प्रभुपाद का चार जो उनका क्वालिटी यहाँ बताएंगे कि भक्ति में पूरी तरह से वो शुद्ध भक्त तो थे ही और मैच्योर थे, परिपक्व भक्त थे, और
शास्त्र में पूरी तरह से ज्ञान था, शास्त्र के अलावा वो भौतिक प्रैक्टिकल नॉलेज भी था, शास्त्र को कैसे प्रेजेंट करना है ताकि जो सुनने वाला है वो समझे, वैज्ञानिक को कैसे समझाना है, गृहस्थ को कैसे समझाना है, स्टूडेंट को कैसे समझाना है, सब जो है उन्होंने, उनको पता था हर तरह का नॉलेज उनको, उनकी किताब पढ़ेंगे तो उसमें सब लिखा है, यहाँ तक कि हेल्थ को कैसे अच्छा रखना ये भी लिखा है ना, सब कुछ उन्होंने लिख के दिया है। फिर सिर्फ साधु मतलब पूरा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी था, है ना, इतनी बड़ी संस्था चलाई उस समय, उस आज से 50 साल पहले जब संस्था को बनाया है वहाँ पे ईमेल और व्हाट्सअप फेसबुक नहीं था, वहाँ पे सब पत्रों में पत्राचार होता था, टेलीफोन बहुत ही रेयर था, मोबाइल तो था ही नहीं, तो उस समय उन्होंने इतनी बड़ी संस्था को चलाया, अंतर्राष्ट्रीय संस्था को, उस समय उनके 150 सेंटर उस समय थे, आज तो 800-900 सेंटर हैं विश्व में, है ना। और उनका एक व्यक्तित्व जो था चौथा, है ना, कि उनका जो एक व्यक्तित्व था वो बहुत ही आकर्षक था, है ना, जो अमेरिका के युवा लड़के लड़कियां जो किसी की नहीं सुन, जिनका नियम था कि 30 साल से ऊपर वाले के नहीं सुनना, वो प्रभुपाद के शिष्य बन रहे हैं, प्रभुपाद की वजह से सारे गलत काम छोड़ रहे हैं, ये उनका करिश्मा था, है ना। 70 साल के थे पर वो 16-17 साल 20 साल के लड़के लड़कियों को आकर्षित किए, उनको सिखाया वैदिक, उनको उनकी अपना वैदिक धर्म सिखाया, उनको साड़ी पहनना सिखाया, उनको धोती पहनना सिखाया, तिलक लगाना सिखाया, उनको शुद्ध वैष्णव शाकाहारी वैष्णव भोजन प्रसाद खाना सिखाया, है ना। तो इस तरीके से आज जो है हम इस एक मेन चीज़ पे फोकस करेंगे, प्रभुपाद के लिए अपना इतना एफर्ट करेंगे, उनको ऐसे धन्यवाद देते हुए कि हम 16 माला का अच्छे से जप करें, 4 नियम का पालन करें और जितना ज़्यादा हो सके इस बात को हम दूसरों को बताएं, कृष्ण भक्ति का प्रचार करें, कृष्ण के बारे में लोगों को जिससे मिलें, जिससे भी बात करें उससे कृष्ण के बारे में ज़रूर बात करें। तो ये आज का मैसेज है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।